बहुत समय पहले की बात है, रूपनगर में रूपा और रोहन दो भाई बहन अपनी सौतेली माँ गोमती और सौतेली बहन सुलेखा के साथ रहते थे। रूपा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, वहीं सुलेखा ना दिखने में अच्छी थी और ना ही उसका व्यवहार अच्छा था। गोमती और सुलेखा रूपा और रोहन पर खूब अत्याचार करते, उन्हें खूब परेशान करते थे। सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन के इस अत्याचार से परेशान होकर रूपा और रोहन एक रात घर से भाग जाते हैं और एक जंगल में पहुँच जाते हैं। गोमती को जब इस बात का पता चलता है तब वो अपने जादुई कटोरी में देखती है कि दोनों कहाँ गए। तभी उसे दोनों एक जंगल में सोए हुए दिखाई देते हैं। चलो अच्छा ही हुआ बला टली, दोनों खुद ब खुद जंगल में पहुंच गए, जंगली जानवर का शिकार होंगे। चल मेरे जादू दिखा कमाल, अगर ये दोनों इस जंगल के किसी भी नदी से पानी पिए तो ये जानवर में बदल जाए। इधर दोनों भाई बहन की जब नींद खुलती है तब वो अपने आप को एक जंगल में पाते हैं। अच्छा हुआ भैया हम वहाँ से भाग गए, वरना हमारी सौतेली माँ तो हमें मार ही डालती। हाँ हाँ बहन तुम सही बोल रही हो, अब हम यहीं रहेंगे। चलते चलते रोहन को एक नदी दिखाई देता है और वो उस नदी का पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक आवाज आती है, ए लड़के रुक जाओ, अगर तुमने इस नदी का पानी पिया तो तुम एक जानवर में बदल जाओगे। भैया मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप इस नदी का पानी मत पीना। ठीक है बहना। इतना बोलकर दोनों आगे बढ़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद उन्हें आगे कोई नदी तालाब नहीं दिखाई देता है। रोहन को बहुत तेज प्यास लग रही थी, तभी उसे एक और नदी दिखाई देती है। बहन मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं अब बिना पानी पिए नहीं रह सकता, मैं इस नदी का पानी पीने जा रहा हूँ। रुक जाओ बालक, इस नदी का पानी पीते ही तुम एक जानवर में बदल जाओगे। लेकिन रोहन नदी की बात नहीं सुनता और वो उस नदी का पानी पी लेता है। पानी पीते ही वो एक हिरण में बदल जाता है। भैया ये क्या हो गया भैया? मुझे माफ कर दे बहना, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, इस जंगल के जंगली जानवर कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए, मेरे साथ ही रहना भैया। तभी रूपा की नज़र जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जाती है। रूपा अपने भाई हिरण के साथ झोपड़ी में जाती है, वहाँ कोई नहीं होता। वो उस झोपड़ी की अच्छे से सफाई करके उसी में रहने का फैसला करती है। भैया आप यहीं रुको, मैं आपके और अपने लिए जंगल से कुछ फल और घास लेकर आती हूँ। रूपा जंगल में फल तोड़ रही थी, तभी उधर से राजकुमार कर्मवीर जा रहा होता है और उसके नजर अचानक रूपा पर चली जाती है। वो रूपा को देखते ही उस पर मोहित हो जाता है और उसके पास जाकर बोलता है, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस घने जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? फिर रूपा राजकुमार कर्मवीर को अपनी सारी घटना बताती है। ये सुनकर कर्मवीर को उस पर दया आ जाता है, वो बोलता है, रूपा तुम बहुत खूबसूरत हो, जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो, तुम्हारा इस तरह जंगल में रहना ठीक नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं राजकुमार? यही कि मुझे आपसे प्रेम हो गया है, क्या आप मुझसे शादी करोगी? ठीक है, पास ही मेरी झोपड़ी है, आप वहाँ चले, मैं अपने भैया से पूछकर आपको बताती हूँ। फिर रूपा अपने भाई रोहन को ये सारी बातें बताती है। रोहन ये सारी बातें सुनकर खुशी से अपना सर हिलाते हुए हाँ करता है और बोलता है, यह तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप मेरे बहन रूपा से शादी करना चाहते हैं। हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात हो सकती है, हमें यह रिश्ता मंजूर है। कर्मवीर अपने साथ दोनों को अपने महल ले आता है और बड़े ही धूमधाम से कर्मवीर और रूपा की शादी हो जाती है। सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।
इधर घूमती अपनी जादुई कटोरी में फिर से रूपा और रोहन के बारे में पता करती है। गोमती रूपा को राजकुमारी बने देख दंग रह जाती है। वो देखती है कि रूपा राजकुमारी बन ठाट से अपनी जिंदगी बिता रही है और उसका भाई रोहन हिरण बना हुआ है जो रूपा के गार्डन में ही हरी हरी घास खा रहा था। ये क्या, ये रूपा तो राजकुमारी बन गई है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। और फिर गोमती अपनी बेटी सुलेखा को लेकर एक रात महल में जाती है। वो अपनी जादू से रूपा को बेहोश कर देती है और फिर सुलेखा को अपनी जादू से रूपा बनाकर बोलती है, सुलेखा अब से तुम्हें रूपा की जगह इस महल में राजकुमारी बनकर रहना है। इतना बोलकर गोमती रूपा को उसी जंगल में छोड़ आती है। सुबह होने पर जब रोहन अपनी बहन के कक्ष में आता है, बहना तुम उठ गई? अरे ये हिरण इस महल में कहाँ से आ गया, चल भाग यहाँ से। अरे आखिर रूपा को क्या हो गया है, वह मुझे पहचान क्यों नहीं रही? रोहन उदास मन से बाहर चला जाता है लेकिन उसका मन नहीं मानता। वो दोबारा अपनी बहन के कमरे में जाता है। तब रोहन अपनी सौतेली माँ और सुलेखा को आपस में बात करते सुन लेता है और सारा माजरा समझ जाता है। अच्छा तो ये डैन यहाँ भी हमारा पीछा करते करते पहुँच गई है, और यह क्या, यह तो मेरी बहन रूपा को जंगल में मरने के लिए छोड़ आई है, मुझे किसी भी तरह रूपा की जान बचानी होगी। इतना सोच रोहन रूपा को ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ता है लेकिन उसे रूपा कहीं नहीं मिलती। रूपा, रूपा, बहना तुम कहाँ हो, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे जंगल में एक साधु दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाता है और उनसे विनती करता है, बाबा प्लीज आप मेरी मदद करें, मुझे मेरी बहन नहीं मिल रही है, कृपया आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। मुझे पता है बच्चा कि तेरी बहन कहाँ है, और मुझे यह भी पता है कि तुम्हारी यह हालत तुम्हारी वह सौतेली माँ ने किया है। बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर आप कुछ उपाय क्यों नहीं बताते? यहाँ से दक्षिण की ओर निकल जाओ, वही तुम्हारी बहन तुम्हें मिलेगी, और यह लो यह जादुई नदी का पानी है, इसे अपने सौतेली माँ के ऊपर छिड़क देना, जिससे उसकी सारी जादुई शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। रोहन बाबा से विदा लेकर अपने बहन रूपा के पास पहुंचता है। रूपा मेरी बहन, मैं आ गया हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर दोनों भाई बहन वहाँ से अपने महल वापस आते हैं। महल में आकर वो सारी बातें राजकुमार कर्मवीर को बताता है। कर्म भी रूपा को देखते ही पहचान जाता है। अच्छा तो यह माजरा है, तभी मैं सोचूं अचानक से रूपा का व्यवहार इतना कैसे बदल गया, मैं इस माँ बेटी को अब नहीं छोड़ूंगा। फिर कर्मवीर अपने सारे सैनिकों को बुलाता है। सैनिकों उस बहुरूपिया माँ बेटी को मेरे सामने पेश किया जाए। कुछ ही देर बाद सैनिक उस माँ बेटी को राजकुमार के सामने पेश करते हैं। गोमती रूपा को राजकुमार के साथ देख समझ जाती है कि राजकुमार को सब कुछ पता चल चुका है। तुम क्या मुझे सजा दोगे? सजा तो मैं तुम लोगों को दूंगी। इतना बोलकर गोमती जैसे ही अपना जादू करने वाली होती है, तभी रूपा बिना समय गवाए साधु द्वारा दिए गए जल गोमती पर छिड़क देती है। जल छिड़कते ही गोमती का सारा जादू खत्म हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती है। गोमती का जादू खत्म होते ही रोहन हिरण से अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। उसके बाद राजकुमार कर्मवीर सैनिक से बोलकर उन दोनों माँ बेटी को कारागार में बंद करवा देते हैं। उन दोनों माँ बेटी को अपने किए की सजा मिल जाती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। लालची सौतेली माँ। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में बहुत ही लालची औरत रहती थी जिसका नाम था रीमा।
रीमा की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था रेखा और छोटी बेटी का नाम था सुंदरी। रेखा बहुत ही मेहनती और नेक लड़की थी, पर उसकी छोटी बेटी सुंदरी बहुत ही घमंडी और आलसी लड़की थी। लेकिन रीमा अपनी छोटी बेटी से ज्यादा प्रेम करती थी, क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी थी। रेखा उसकी सौतेली बेटी थी। वो रेखा से नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। रेखा से घर का सारा काम करवाया करती थी। रेखा, जल्दी से काम खत्म करके कुआं से पानी भर कर ले आ। यहाँ आओ मेरी चांसी गुड़िया, मेरी प्यारी बिटिया, तुम्हें भूख लगी है? लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। इधर रेखा घर का सारा काम खत्म करके कुएं से पानी भरने जाती है। तभी कुआं से पानी भरते समय उसके हाथ से मटका छूटकर कुएं में गिर जाता है। वो बहुत घबरा जाती है और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास वापस आती है और माँ को बताती है। माँ, पानी भरने का मटका तो कुएं में गिर गया। क्या कहा? अरे सत्यानाश हो तेरा, मटके की जगह तो क्यों नहीं गिर गई कुएं में? अब मैं दूसरा मटका कहाँ से लाऊं? जा, कैसे भी करके उस मटके को कुआं से निकाल कर वापस लेकर आ। उसके बिना तो घर में कदम भी रखी तो मैं तेरे टांगे तोड़ दूंगी, समझी? ये सब सुनकर रोते रोते रेखा कुएं के पास वापस आ जाती है। वो कुएं से मटका निकालने का काफी प्रयास करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। फिर रेखा खुद कुएं में जाने का फैसला करती है और कुएं में कूद जाती है। जब रेखा की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक अलग दुनिया में पाती है। वो देखती है कि उसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं और हरा भरा सुंदर सुंदर फलों के पेड़ लगे हैं। अरे मैं कहाँ आ गई? ये तो बहुत ही सुंदर दुनिया है, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये सोचते हुए रेखा आगे बढ़ती है। कुछ दूर चलते ही रेखा को एक सुंदर सा घर दिखाई देता है। वो उस घर के अंदर जाती है। उस घर में एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। उस बूढ़ी चुड़ैल के बहुत ही भयानक दांत थे। उस बूढ़ी चुड़ैल को देखते ही रेखा बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी बूढ़ी चुड़ैल उसे बुलाती है। ठहरो मेरी बच्ची, तुम मुझसे डरो मत। अगर तुम मेरे घर की अच्छे से देखभाल करोगी तो तुम इस घर में रह सकती हो। मैं तुम्हें हर चीज दूंगी। और हाँ, घर के बाहर मेरा एक छोटा सा बगीचा है। बगीचे में लगे सभी पेड़ पौधों को सही समय पर पानी भी देना होगा, ताकि वो मुरझाए नहीं। बूढ़ी चुड़ैल की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर रेखा वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाती है। रेखा बहुत अच्छे से घर के देखभाल करने लगती है और बगीचे में लगे पेड़ पौधों को भी बहुत अच्छे से देखरेख करने लगती है। बूढ़ी चुड़ैल ये सब देखकर बहुत खुश होती है और वो रेखा से बहुत प्यार करने लगती है और वो रेखा को रोज सुबह अच्छे अच्छे चीजें खाने के लिए देती थी। कुछ दिन रुकने के बाद रेखा को अपने घर की याद आने लगी। आपसे मुझे ढेर सारा प्यार मिला, आपने मेरा कितने अच्छे से ख्याल रखा, बिल्कुल एक बेटी की तरह प्यार दिया। लेकिन अब मुझे अपने घर की याद आ रही है। अब समय आ गया है कि मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। अम्मा चुड़ैल, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। मुझे खुशी है बेटी कि तुम अपने घर वापस जाना चाहती हो। तुमने बहुत ही निष्ठा भाव से मेरी सेवा की है, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल रेखा के ऊपर जादू करती है। रेखा बहुत ही सुंदर सुशील राजकुमारी में बदल जाती है। ये लो तुम्हारा मटका जो तुमने कुएं में गिरा दिया था। इस मटके में मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा भेंट है। ये सब देख रेखा बहुत खुश होती है। फिर रेखा नम आँखों से बूढ़ी चुड़ैल से विदा लेती है
और देखते ही देखते रेखा अपनी सौतेली माँ के घर के कुएं के पास पहुँच जाती है। जब रेखा घर आती है तो उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन उसे देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि रेखा एक राजकुमारी की तरह खूबसूरत लग रही थी और उसके हाथ में हीरे जेवरात से भरा मटका था। ये सब देखकर उसकी सौतेली माँ बोलती है, अरे मेरी प्यारी गुड़िया, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी, मैं बता नहीं सकती। लेकिन ये तो बता, इतना सारा धन और ये खूबसूरती तुझे कहाँ से मिला? फिर रेखा अपनी लालची सौतेली माँ रीमा को सारी घटना बता देती है। ये सुनकर रीमा का मन लालच से भर जाता है। अरे वाह, इतना सारा हीरे जवाहरात, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगी। यदि मैं अपनी बेटी सुंदरी को वहाँ भेज दूँ तो मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगी और साथ ही मेरी बेटी भी एक राजकुमारी की तरह खूबसूरत बन जाएगी, जिससे मैं उसकी शादी एक राजकुमार से करूंगी। ये सोचकर रीमा अपनी बेटी सुंदरी को भी कुआं में मटका फेंकने को कहती है और फिर सुंदरी कुएं में कूद जाती है। रेखा की तरह सुंदरी की भी आंखें एक अलग ही दुनिया में खुलती है। वो उठती है और कुछ दूर चलते ही उसे भी उस बूढ़ी चुड़ैल का घर दिखाई देता है। वो घर के अंदर दाखिल होती है और बिना डरे उस बूढ़ी चुड़ैल से कहती है, मैंने सुना है आपको किसी काम वाले की जरूरत है, मैं आपका सारा काम कर दूंगी, मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दीजिए। बूढ़ी चुड़ैल सुंदरी को सारा काम समझाते हुए कहती है, बस ध्यान रहे बेटी, सारा काम सही समय पर हो जाना चाहिए, बगीचे की देखरेख में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पहले दिन तो सुंदरी ने घर का सारा काम अच्छे से कर दिया, फिर दूसरे दिन वो काम करने में आलस करने लगी और तीसरे दिन उसने कुछ भी काम नहीं किया, जिससे बगीचा का सारा फूल मुरझा गया और सुंदरी पूरा दिन भर सोती रही। ये देखकर बूढ़ी चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और सुंदरी के पास जाकर कहती है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। सुंदरी ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है, उसे लगता है कि अब रेखा की तरह उसे भी हर चीज मिलेगा। फिर बूढ़ी चुड़ैल सुंदरी पर जादू करती है और सुंदरी पहले से बहुत बदसूरत और फटे पुराने कपड़े में एक भिखारिन की तरह बन जाती है। ये लो तुम्हारा मटका जो कुएं में गिर गया था, इस मटके में मेरे तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा भेंट है। ये गोबर, जिस तरह से तुमने काम किया तुम इसी के काबिल हो। और फिर देखते ही देखते सुंदरी उस कुएं के पास अपने आप को गोबर से भरे मटके के साथ पाती है और सुंदरी फटे पुराने भिखारन जैसे कपड़े पहने उस गोबर के मटके के साथ रोते रोते अपनी माँ के पास आती है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर रीमा पूछती है, अरे बेटी ये तेरी कैसी हालत हो गई? और ये गोबर सोना कहाँ है? फिर सुंदरी वहाँ हुई सारी घटना अपनी माँ को बताती है। ये सब सुनकर रीमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचती है कि काश अगर वो अपनी बेटी को लालच में आकर वहाँ ना भेजी होती तो आज उसकी बेटी की ये दुर्दशा ना हुई होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।